चाउमीन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने भिगोने में 1.5 लीटर पानी गर्म किया है और उसमें 1/2 चम्मच नमक डाल दिया है। अब इसमें आप नूडल्स डालेंगे, कोई भी नूडल्स डाल सकते हो, हमें नूडल्स तोड़कर नहीं डालने हैं। यहाँ पर मैंने मैगी वाले नूडल्स लिए हैं और यहाँ पर इनको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो हमारी चाउमीन देखने में अच्छी नहीं लगेगी। अब जब हम ये उबाल आ जाता है, 2 से 3 मिनट तक इसको पकाना है, हमको चेक करके देख लेते हैं। इसको सिर्फ 1/2 मिनट के लिए ही पकाना है और गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और एक स्ट्रेनर में इसको हमें छान लेना है। अब इसका पानी अलग हो चुका है तो इसमें हमें 1 गिलास ठंडा पानी डाल देना है, जिससे कि हमारे जो नूडल्स होंगे वो बिल्कुल अलग अलग रहेंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं। अब इसको निकाल कर हम एक थाली में रख कर एक पंखे के नीचे रख देंगे, जिससे कि ये खिले खिले हो जाएंगे। यहाँ पर एक पैन गरम करना है और यहाँ पर मैंने ऑयल डाल लिया है। सब्जी में यहाँ पर मैंने कैप्सिकम ली है, कैबेज ली है और रेडिश ली है। अब यहाँ पर मैंने पहले से ही काट के रखा हुआ है हरी मिर्च, प्याज और लहसुन। अब इस तेल हमारा गरम हो चुका है, इसमें हमें हरी मिर्च डाल देनी है और साथ में ही हमें लहसुन भी डाल देना है और इसको सिर्फ 1/2 मिनट के लिए पका लेना है। जब ये पक जाए तो इसमें हमें प्याज ऐड कर देनी है। प्याज को भी हम 2 से 3 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे। इसको ज़्यादा, प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इसमें सब्जियां डाल देंगे। यहाँ पर मैंने गाजर डाल दी है और कैबेज डाल दी है। यहाँ पर साथ में दोनों सब्जियां डाल देंगे। सब्जियां आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अपने पसंद की सब्जी आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसको भी मैं 3 से 4 सेकंड तक अच्छे से हाई फ्लेम पर भून लूँगी। इस तरह से आपको ये भून लेना है। अब ये सब्जियां तो हमारी भून चुकी है, इनका कच्चापन खत्म हो चुका है। अब इसमें हमें कैप्सिकम डालनी है। कैप्सिकम मैंने बाद में डाली है क्योंकि हमें कैप्सिकम को ओवर कुक नहीं करना है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है और 1 सेकंड के लिए इसको पका लेना है। अब यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच विनेगर ऐड कर देना है और यहाँ पर सोया सॉस, डार्क सोया सॉस लेनी है, वो भी 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है। और ग्रीन चिली सॉस मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच लिया है और इसमें हमें रेड चिली सॉस भी 1 चम्मच डाल देनी है। और यहाँ पर मैंने टोमेटो सॉस लिया है जो कि 1 बड़ा चम्मच है, इसको भी हमें इसमें मिक्स कर देना है। अब सारी सॉस को वेजिटेबल्स में अच्छे से मिक्स करते हुए इस तरह से हमें हाई फ्लेम पर भून लेना है। सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए ही हमें इनको भूनना है। इसके बाद जब ये सब्जी में मिक्स हो जाए अच्छे से सॉस, तो हमें जो नूडल्स हमने बॉईल किए थे वो इसके अंदर डाल देने हैं। अब इसको नूडल्स को इस तरह से टॉस करते हुए हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे कि सारी वेजिटेबल्स और सॉस पूरे नूडल्स में अच्छे से मिल जाए। इस समय गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है और अच्छे से नूडल्स को इस तरह से टॉस करते हुए इसको मिक्स करते जाना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसको इस तरह से टॉस करते हुए अच्छे से हमें हाई फ्लेम पर इस तरह से फ्राई कर लेना है। तो तैयार है हमारी स्पेशल यम्मी वेज चाउमीन। तो इसको हम अब प्लेटिंग कर लेंगे। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी स्पेशल है। और यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा और मेरी चैनल पर नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।